Assalamu alaikum and very warm good morning to all my students of class 4th. Welcome to class 4th EVS. Students, today we are going to do the part 2 of practice worksheet. Means further questions we are going to revise. हमने पहले वाले part में हमने question number 1, 2 और 3 किया था. Okay, choose the correct answer, fill in the blanks और true or false हमने किए थे. है ना students? अब हम क्या करेंगे? Next part में उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे. स्टूडेंट्स, अगर आपने इफ़ यू हैव टेकन द प्रिंट आउट और यू आर राइटिंग समवेयर, सो यू कैन ओपन इट, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू सी द टू लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स और वॉट एवर एक्सरसाइज आर देयर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द विच वन इज देयर. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग, दिट इज़ योर कीवर्ड्स. कीवर्ड्स को हमने नेम द फॉलोइंग बना के दिया है. टू कीप ऑन बीटिंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को चबाते रहना, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्नो. नंबर 2, एरिया वेयर लैंड मीट्स द सी शोर. सी, अभी एरिया जहाँ पे जो लैंड है वो सी से मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सी शोर. थर्ड वन इज़ स्मॉल हिल ऑफ लूज सैंड मेड बाय द विंड. छोटे छोटे जो हिल्स बन जाते हैं ना सैंड के, रेत के, ऐसे हवा चलने से एक जगह रेत इकट्ठी होती है और हिल जैसा, छोटा सा पहाड़ जैसा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स. नंबर 4, लैंड वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन. अभी जहाँ पे सिर्फ फ्रूट के ट्रीज, मतलब सिर्फ फल, जहाँ पे फलों के पेड़ लगाए जाते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्चर्ड. स्पेलिंग इज ORCHARD. स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड सो यू कैन राइट इट बाई योर ओन. नंबर 5, वेरी वैल्यूएबल. वेरी वैल्यूएबल मतलब जो बहुत ही कीमती होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीशियस. जैसे हीरा होता है, जो डायमंड होता है, वो क्या होता है, वेरी वैल्यूएबल होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ वेरी प्रीशियस. सो द की नेम द फॉलोइंग फॉर वेरी वैल्यूएबल इज प्रीशियस. नंबर 6, कम आउट ऑफ इट्स एग एंड इज बॉर्न. अंडे से जो बाहर आता है, बाहर आके बॉर्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हैच बोलते हैं. नाउ वी विल सी आंसर इन वन सेंटेंस. ये आंसर आपको बच्चों पूरा लिखना है, सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये देखो आप, आंसर इन वन वर्ड है, सॉरी वन सेंटेंस है. इसको आप सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखोगे, अगर आप एक वर्ड लिखोगे तो आपको मार्क्स कट कर लूँगी मैं, मार्क्स कटेंगे आपके उसके. यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज, वॉट इज प्रीशियस इन अबू धाबी. ऑयल इज प्रीशियस इन अबू धाबी. अबू धाबी में ऑयल बहुत मिलता है, तो इट इज़ प्रीशियस इन अबू धाबी. नंबर 2, विच बर्ड्स सिंग स्वीटली. विच बर्ड सिंग स्वीटली, कोयल सिंग्स स्वीटली. कोयल जो है वो कैसा गाती है, स्वीटली गाती है. नंबर 3, वॉट वेयर पीपल डूइंग एट वाटर पार्क. वाटर पार्क पे बच्चे क्या कर रहे थे. पीपल वेयर इंजॉइंग गेम्स इन साइड द वाटर पार्क. पीपल जो है वो क्या कर रहे थे, गेम्स को इंजॉय कर रहे थे वाटर पार्क के अंदर. वाटर पार्क जो होता है ना, उसमें वो इंजॉय कर रहे थे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर, आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट इज प्रीशियस इन अबू धाबी जो क्वेश्चन है उसमें ऑयल लिख दिया है मैंने. ऑयल इज प्रीशियस, इट इज़ नॉट ऑयल, इट इज़ वाटर. वाटर प्रीशियस है कहाँ पे, अबू धाबी में. ओके स्टूडेंट्स, सो द करेक्ट आंसर इज, if it is written in the worksheet like this, so correct answer is water. Water is precious in Abu Dhabi. Number 4, how old is Chuskit. Chuskit kitne saal ki hai. Okay, now you can see on the second screen, Chuskit is 10 years old. Chuskit kitne saal ki hai, 10 saal ki hai. Okay, number 5, name most common tree found in Abu Dhabi. Abu Dhabi mein most common tree kaun sa hai, matlab जो सबसे मेनली वहाँ पे जो मिलता है वो कौन सा है, दैट इज डेट इज द मोस्ट कॉमन ट्री फाउंड इन अबू धाबी. नंबर 6, हु वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर कौन पढ़ रहा था, रज़िया इज रीडिंग द न्यूज़पेपर. टू मच वाटर टू लिटिल वाटर चैप्टर में है ना, रज़िया वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर. नाउ वॉट इज नेक्टर. नेक्टर क्या होता है, अ स्वीट लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स. अभी ये जो स्वीट लिक्विड होता है ना, जो फ्लावर से प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं. व्हाट इज़ डायरिया. डायरिया क्या है, फ्रीक्वेंट लूज मोशंस ड्यू टू द स्टमक पेन. जो
हमारे पेट में दर्द होता है और बार बार हमें वॉश येस वॉट इज़ डायरिया तो फ्रीक्वेंट लूज मोशन ड्यू टू स्टमक पेन, हमारे पेट में दर्द होता है बार बार और हमें बार बार लूज मोशंस बार बार हमें टॉयलेट जाना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द डायरिया. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर आंसर इन वन वर्ड. नाउ यू आंसर इन वन सेंटेंस. नाउ यू गॉट इट, आपको अच्छे से समझ में आया ना कि आपको आंसर इन वन सेंटेंस कैसे लिखना है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6, हु एम आई. हु एम आई, दिस इज़ यू विल गेट ऑन पेज नंबर 199, 200 and 201. आपको ये इन पेजेस में टेक्स्ट बुक की जो ये पेजेस है ना उसमें आपको ये मिलेगा और आपको हु एम आई करके पूछा जा सकता है. उसमें से कोई भी आपको हु एम आई, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी एक्सप्लेन किया था. नाउ आंसर इन 2-3 सेंटेंस. हाउ डज कोयल मेक इट्स नेस्ट. कोयल अपना नेस्ट कैसे बनाती है. अ कोयल डज नॉट मेक इट्स नेस्ट, इट लेज इट्स एग इन अ क्रोस नेस्ट, द क्रो हैच them along with its own egg. अभी जो कोयल है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो जो क्रो के जो नेस्ट होता है उसमें वो अपने अंडे देती है और क्रो ही उसके अंडों को हैच करता है. Why Rita is scared of Meena's uncle? Ritu was scared of Meena's uncle because his touches were not good. Now the third question is, why is petrol cheaper than water in Abu Dhabi? Abu Dhabi does not get rain. It does not have any river, lake or pond. Even below the sandy oil there is no water. So water is precious there. Abu Dhabi में कोई भी lake, pond या river नहीं है और वहाँ पर कोई पानी का सोर्स भी नहीं है और sandy soil के नीचे सिर्फ oil है, water नहीं है, इसीलिए वहाँ पर water precious है. What kind of student was Anita? Anita did not get high marks in the school but she always asked many questions. अभी Anita को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे पर वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछती थी क्लास में. व्हाट वाज द सीन आउटसाइड व्हेन द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मडगांव. द सीन आउटसाइड वाज वेरी ब्यूटीफुल, द क्रॉप्स वेर ग्रीन, द हिल्स वेर कवर्ड विद ट्रीज एंड द फील्ड्स हैड रेड सॉइल. बाहर का जो सीन था, उमाना जो देख रही थी बाहर ट्रेन से, वो बहुत सुंदर था. हरे हरे क्रॉप्स थे, खेती थी, हिल्स थे जो काहे से कवर्ड थे ट्रीज से, एंड द फील्ड्स जो खेत थे उसमें कौन सा सॉइल था, रेड सॉइल था. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द आंसर इन टू एंड थ्री सेंटेंसेस. ये टू से थ्री सेंटेंसेस में आपको इनके आंसर्स को लिखना है. ओके आपको समझ में आया ना कि इसको कैसे लिखना है, मैंने कैसे लिख के बताया है आपको और आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है. ओके नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन. वॉट इज नेक्स्ट. नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई Akshay's grandmother not allowed him to eat or drink in Anil's house. Akshay's grandmother did not allow him to eat or drink in Anil's house because, according to her, Anil belongs to the low caste and they are of upper caste. अभी अक्षय की grandmother उसको अनिल के घर में खाने पीने नहीं देती थी क्योंकि उनके हिसाब से वो लोग अपर कास्ट के थे और जो अनिल है वो लोग लोअर कास्ट के हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड दीपक गोज टू रजिया's हाउस. दीपक जो था वो रजिया के घर में क्यों गया था. दीपक गोज टू रजिया's हाउस बिकॉज इट वॉज अ स्कूल हॉलीडे एंड ही वॉज विथ हिज मदर हु वर्कड एट रजिया's होम. अभी दीपक का स्कूल का हॉलीडे था और उसकी मदर रजिया मैम के घर में काम करती थी इसीलिए वो उनके साथ में गया था. Write any four difference between Kochi and Abu Dhabi. Now this is difference between. You have to write like this. आपको ऐसा ही लिखना. और बच्चों आप सिर्फ एक ही लिखते हो difference between में, सिर्फ आप या तो Kochi या Abu Dhabi, नहीं आपको दोनों लिखना है difference between. Now the first one is, there is no sand in Kochi except seashore. A area in Abu Dhabi is sandy. Okay. Number two, Kochi has thick greenery and cool climate. Then number two of Abu Dhabi is, there is no greenery in Abu Dhabi. Number three of Kochi is, coconut, banana, jackfruit is found here. Number three, date is only fruit find here. Number four, lot of water in Kochi and in Abu Dhabi, lot of oil in Abu Dhabi. So this was the difference between Kochi and Abu Dhabi. Now the next one is, difference between big family and small family. So the big family
कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 मेंबर्स। बिग फैमिली में 10 से 12 मेंबर्स होते हैं एंड स्मॉल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 मेंबर्स। नंबर टू, बिग फैमिली हैज़ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एट्सेट्रा एंड इन द स्मॉल फैमिली हैव ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नाउ नंबर थ्री, बिग फैमिली इज़ कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली एंड द स्मॉल फैमिली इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। नाउ नंबर फोर्थ, इन बिग फैमिली वर्क इज़ डन ईजिली इन लेस टाइम। अभी बिग फैमिली में क्या होता है, ज़्यादा लोग होते हैं और जो काम होता है सबके बीच में बांट दिया जाता है तो थोड़े टाइम में काम हो जाता है। एंड इन स्मॉल फैमिली वर्क कंज्यूम मोर टाइम। और स्मॉल फैमिली में क्या होता है, लोग कम होते हैं तो वो काम में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब कम का लोग होते हैं करने के लिए तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम यूज़ होता है काम करने में। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज़ द डिफरेंस बिटवीन बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस, आपको ऐसा ही लिखना है। ओके स्टूडेंट, सो होप यू ऑल हैव गॉट नाइसली कि आपको कैसे पेपर में लिखना है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट टू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस वर्कशीट। अप टिल देन डू योर प्रैक्टिस वर्क एंड डू द प्रैक्टिस वर्क इन द राइटिंग। राइटिंग में आप उसको लिखोगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, अप टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डू द प्रिपरेशन ऑफ टर्म टू एग्जाम, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।